हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में, कि इतिहास, कला एवं विज्ञान है इसको समझाइए। ये आपका बीएड सेकंड सेम का बीसी टू का पेपर है फ्रेंड्स। तो इसमें देखेंगे हम कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कला किसे कहते हैं। तो कोई भी कार्य कैसे करना है और उस क्रिया को ही कला कहा जाता है। कला किसी भी कार्य को करने की एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, जिसे हम कला कहते हैं। और कला का अर्थ ही होता है कि व्यवहार के, यानी कि ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से लिया गया है। आप जितना ज़्यादा कार्य जो भी अच्छे तरीके से करेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्वोत्तम विधि तरीके से करते हैं, तो वही आपकी कला है। अब हम देखेंगे कि कला की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है, जो कला है वो परिणामों को प्राप्त करने की एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सेकेंड है, जो कला है तो परिणामों की प्राप्ति जिससे होती है वो ज्ञान के प्रयोग पर ही निर्भर करती है। तीसरा है, कला हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ये किसी के द्वारा सिखाई जा सकती है। मतलब कला को हम हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हम सिखा सकते हैं। कला का जो संबंध होता है वो किससे है? व्यवहार से है। कला एक रचनात्मक होती है, रचनात्मक क्रिया होती है। कला हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे में क्रिएटिविटी होगी। तो कला क्या है? एक रचनात्मक है। फिर कला का उपयोग उद्देश्यों व परिणामों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी आप कला कर रहे हैं तो आपके पास आपके एम्स होने चाहिए, उसके परिणाम कैसे हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर जो इतिहास और कला एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। तो ये तो हो गया कि कला किसे कहा जाता है और कला की विशेषता। अब हम देखेंगे विज्ञान क्या है। तो इतिहास विज्ञान के रूप में, विज्ञान क्या है? यह विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जो कि हमारे कारण एवं परिणाम के बारे में बताता है। तो विज्ञान ज्ञान की एक शाखा होती है, जो क्या करती है कि क्या है, कारण कैसा है, परिणाम कैसा है, उसके बारे में ये बताता है। विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य, अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भों में संग्रहित तथा स्वीकृत किया गया एक ज्ञान है। विज्ञान हमें सत्यता के बारे में बताता है, सत्यता के बारे में खोज कराता है। तो विज्ञान एक क्या है? एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन होता है, जो हमें सत्य तथा तथ्यों की खोज कराता है। इसे ही हम कहते हैं विज्ञान। अब हम जानेंगे विज्ञान की परिभाषा। तो प्रोफेसर रेगार्ड जी के अनुसार है, विज्ञान किसी प्रक्रिया में निर्मित और व्यवस्थित खोज करना ही विज्ञान है। विज्ञान की विशेषता देखते हैं हम। तो विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है। सेकंड है, विज्ञान हमें क्या बता रहा है? कारण एवं परिणाम के बारे में ये बताता है कि क्या कारण है, क्या परिणाम है, कैसे निकालना है। तो विज्ञान ये हमें सिखाता है। तीसरा है, विज्ञान जो है वो हमें सत्य तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित होता है। ये हमें सत्य के बारे में बताता है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसके बारे में ये अध्ययन कराता है। फिर हम देखेंगे विज्ञान अवलोकन एवं परीक्षण के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसमें परीक्षण कर सकते हैं। किसके थ्रू? विज्ञान के थ्रू। फिर नेक्स्ट विशेषता है, विज्ञान जो है वो एक सार्वभौमिक होता है। विज्ञान सभी जगह है, यूनिवर्सल है। विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जो विज्ञान है उसे हम अर्जित कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों ही माना जाता है। कला और विज्ञान दोनों का ही संगम है। इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों में ही एक लक्षण विद्यमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतिहास जब सत्य की खोज करता है, तब विज्ञान उन तथ्यों को प्रस्तुतिकरण के समय वह करता है, मतलब जिसे हम कला कहते हैं। तो इतिहास क्या कर रहा है? सत्य की खोज करता है, और विज्ञान एक कला होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि इतिहास कला एवं विज्ञान के रूप में है। तो ये छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।